हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सबको पता है, कोविड-19 की वजह से हम सब अपनी फेस टू फेस क्लासेस नहीं कर पा रहे, और आपको एक टेंशन हो रही है, और बच्चों से मुझे डेली बेस पे कॉल्स और SMS रिसीव हो रहे हैं, सर हम कब से क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे? वो तो बेटा मुझे भी नहीं पता हम कब से कर पाएंगे। और जैसे ही कल अभी न्यूज़ भी आई है आपकी मोदी जी की कि आप 21 डेज तक हमारा लॉकडाउन है, ठीक है, तो अभी सरकमस्टांसेस के अंदर हम फेस टू फेस क्लासेस तो कर सकते नहीं है, बट वी कैन डू वन थिंग कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली डेली बेसिस पर मैं आपको, जैसे क्लासेस के अंदर हम क्लास लेते थे फिजिकल क्लासेस, वैसे ही डेली बेसिस पर कुछ वीडियोस छोटी छोटी बना के भेजूंगा, और आप चाहो तो अपने क्लास 12th के अकाउंट्स का कोर्स फिनिश कर सकते हो मेरे साथ। मतलब इस 1 महीना, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेफर कर रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर एटलीस्ट एक या दो टॉपिक मैं आपके खत्म करा दूंगा, मतलब एक या दो चैप्टर्स आपके मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है बेटा? तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको पसंद आएगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? और एक चीज और, मेनली आपको, जैसे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू क्लासेस दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, तो ताकि मैं आपको और जो वीडियोस भेजूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है जी? अब आ जाओ जल्दी से, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। दैट इज नंबर 1। इसके अंदर जो मेनली आपका अकाउंट्स का कोर्स है, पहले मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ क्या लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा NPO, उसके लिए मैं बाद में चर्चा करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको 5-10 मिनट के अंदर पूरा अपने अकाउंट्स का कोर्स समझाता हूँ जो आपके क्लास 12th के अंदर है। 1 महीना घर पे आपने खाली नहीं बैठना, एटलीस्ट एक या दो चैप्टर, मतलब एटलीस्ट हम 10-15-20 मार्क्स का सिलेबस अगर कवर कर लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ 2020 के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके कमिंग एग्जाम होंगे 2021 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है अभी तक का सिलेबस जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, जो अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर, इसके बेस पर आप अपना आगे फ्यूचर भी डिसाइड करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट, ठीक है? नंबर 1 आओ डिस्कस करते हैं मार्किंग स्कीम, ठीक है? अकाउंट्स का पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा बेटा। 100 मार्क्स के अंदर जो आपकी थ्योरी होगी, थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपका एक्सटर्नल CBSE लेगा, वो आपका 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर। ये इंटरनल पेपर आपके फैब में होंगे, इसकी तैयारी हम बाद में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसमें एक वाइवा होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? आपको पता होगा इसमें आपका वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, और प्लस साथ में इसमें आपका एक इंटरनल एग्जाम भी होगा, ठीक है? इसकी चर्चा आप बाद में करेंगे हम, ठीक है? फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे 80 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका, जो आपके CBSE ने आपको दिया है पढ़ने के लिए, इसके बेस पर आपके नेक्स्ट मार्च में एग्जाम होंगे, ठीक है? पार्ट A पार्ट B। पार्ट ए के अंदर आपका 60 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका बेटा 20 मार्क्स का है, ठीक है जी? पार्ट ए के अंदर जो आपका है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपके दे रखा है TS ग्रेवाल के अंदर, वो है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत से बच्चे इसको क्लास 11th में भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज क्लास 11th में कभी कभी स्कूल में आपके ये कवर करवा देते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने ये कहते हैं ये टॉपिक थोड़ा बहुत अगर क्लास 11th में देखा होगा तो आपको आता होगा, ठीक है? और मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से करूंगा, NPO से। एक 10 मार्क्स का टॉपिक है, मतलब 80 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स का टॉपिक है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं आपके, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसमें मेन टॉपिक जो क्लास 12th के अंदर माना जाता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपकी 30 मार्क्स की आएगी, अभी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा अपनी बुक के थ्रू, आपको दिखाऊंगा चैप्टर इसके, पर अभी मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहा हूँ बेटा आपके साथ। पार्टनरशिप आपकी 30 मार्क्स की है, और कंपनीज अकाउंट आपकी, जो कंपनी अकाउंट है वो आपकी कितनी है, 20 मार्क्स। तो ऐसे करके पार्ट ए आपका क्या हो जाएगा, 60 मार्क्स का होगा। पार्ट ए के लिए 2 बुक्स मिलेंगी, एक NPO प्लस पार्टनरशिप की एक बुक मिलेगी बेटा आपको, और एक बुक आपको जो मिलेगी कंपनीज अकाउंट की मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी, दैट इज बुक नंबर 3। बुक नंबर 3 आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर एक AFS है, इसके अंदर क्या चैप्टर्स आएंगे बताऊंगा मैं, 12 मार्क्स, और प्लस साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एप्लीकेबल होता है, ये आपको बता रहा हूं वैसे ही मैं, ठीक है? 8 मार्क्स का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके इंटरनल एग्जाम के अंदर भी आता है आपका बेटा, तो यहाँ पे भी कवरेज देता है ये आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स, ठीक है बच्चे? पार्ट ए के अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं, NPO, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स,
ठीक है, पार्ट बी के अंदर दो टॉपिक है। पार्ट बी का नाम ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, 12 मार्क्स का एक टॉपिक है पूरा, और साथ में सेकंड टॉपिक है आपका 8 मार्क्स का। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे आओ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ जी, ये देखो ये मैंने आपके लिए बुक बना रखी है क्लास 12th के लिए, ठीक है। क्लास 12th में आपके पास ये बुक रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है बच्चे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं फेमसली, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का टॉपिक रहेगा आपका एग्जाम के अंदर। गुडविल कभी आता है कभी नहीं आता, चेंज इन पीएसआर कभी आता है कभी नहीं आता, इन दोनों को मिला के 3 to 4 मार्क्स हम डाल देते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड है आपका गुडविल, ठीक है, थर्ड है चेंज इन पीएसआर मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो उसके अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आपका ये चैप्टर जो है 8 to 10 मार्क्स में आपका कवर कर जाएगा, ठीक है। वहीं से रिटायरमेंट डेथ अगेन ये ऑप्शन में आते हैं, तो इसको भी 4 मार्क्स में ले लो अलग से, अगर स्पेशल बोलूं मैं आपको 4 मार्क्स में कवर कर जाएगा आपका। अभी तक ये कितना हो गया आपका 8 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स ये हो गया, 8 to 10 4, और डिसोल्यूशन आपका अगेन एज यूजुअल 6 मार्क्स के आसपास ये चैप्टर आपका कवर कर जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये आपका 10 मार्क्स में कवर कर जाएगा बेटा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये आपका 12 to 13 मार्क्स, और बाकी जो बचा डिबेंचर्स, ठीक है, ये 7 to 8 मार्क्स में आपकी कवरेज देकर जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके ये जो टॉपिक्स हैं ये तो यहां से लेकर यहां तक एक बुक हो जाएगी आपकी बेटा। देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी फर्स्ट बुक होगी वॉल्यूम 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम 2। और बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट, इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये थियोरेटिकल टॉपिक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, और प्लस आपका रेशियो एनालिसिस। ये चारों चैप्टर मिला के आपके आएंगे कितने मार्क्स के बेटा, आपके ये चारों चैप्टर आपके 12 मार्क्स में आ जाएंगे, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका पूरा अकेला ही कितने 8 मार्क्स में आपका आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका क्या वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 3 हो गया आपका, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपकी कवरेज आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सिलेबस बता दिया है, एंड रिमेनिंग मैं कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और आपको डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो देता जाऊंगा जिसके अंदर एक टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, स्टार्टिंग विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप में से किसी बच्चे का कुछ भी अलग से स्पेशल कुछ टॉपिक करवाना हो तो मुझे बता देना, उसको भी रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा, जब तक आप घर पर पढ़ सकते हो अगर आपके एग्जाम्स होंगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने फ्रेंड्स वगैरह से आप शेयर कर सकते हो मेरी ये वीडियो, ठीक है, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपके साथ यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से कवरेज करो, ठीक है बच्चे। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया किस तरीके से हम कवर करेंगे चीजों को, ठीक। और प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को आप लाइक कर लेना अगर आपको पसंद आए तो बेटा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लो, ठीक है। मैं आपको आने वाले जो भी दिन होंगे, मतलब चाहे वो 20 दिन हो 25 दिन हो मुझे नहीं पता, डेली बेस पे एक वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको भेजूंगा। बस मुझे आप इन्फॉर्म करते रहना कि सर हमें ये चीज आ रही है समझ, ये क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे इन्फॉर्म करना, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज बनाऊंगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुझे बता देना, उसके लिए भी मैं आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना के तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है बच्चे। चलो जी कल से मैं आपके साथ एक स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, आई थिंक दैट जो होगा आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। ऑल दी बेस्ट, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा।